मथुरा की बलदेव सीट से 6 बार जीत हासिल करने वाले भाजपा विधायक पूरन प्रकाश का कहना है कि विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें कल फोन आया हुआ था। हालांकि मंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी लखमान जो भी जिम्मेदारी देगा उसे वो निभाएंगे। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज लोक भवन में है, शाम 4 बजे बैठक होगी। उससे पहले तमाम जो विधायक है वो लखनऊ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मथुरा के बलदेव से 6ठी बार जीते पूरन प्रकाश जी है। पूरन जी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत नुकसान होगा, लेकिन वो सारे कयास पीछे होगा और बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज विधानमंडल दल की बैठक भी है, तो आप लोग भी आ चुके हैं बैठक में शामिल होने के। देखिएगा, जो विपक्ष होता है ना, जो अठबंधन गठबंधन 19 में भी किया, इनका पूरा प्रोपोगंडा था, लेकिन जनता ने पूरी तरह नकार दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में जो हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो हमारा मुख्य हमारा मैनिफेस्टो थी, उसके हिसाब से हम चले। हमारे चारों प्रदेशों में भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, कहीं बन गई है। शपथ ग्रहण है आज विधानमंडल दल की बैठक, तो फोन आपके पास कब आया था कि विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने आना है? नहीं, मेरे पास कल आ गया था, कल विधानमंडल की मीटिंग का लोक भवन में। आप सबको इंतजार शपथ ग्रहण का है, ये भी कहा जा रहा है कि कौन मंत्री बनेगा, ये हर कोई जानना चाह रहा है। चर्चा तो आपके भी नाम की, 6ठी बार आप जीत के आए, मथुरा से आए हैं, जो यूपी सरकार के एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में, क्या इसका भी कोई फोन आया है कि हाँ आपको उसमें भी रहना? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व है हमारा, पार्टी नेतृत्व जो निर्देश देता है, जो आदेश देता है, हम उसको फॉलो करते हैं। अभी भी हमारा यही है, वो है कहना कि जो पार्टी ने हमको जो जिम्मेदारी मिलेगी, जो हमें मिली हुई है, उसको बखूबी भारतीय जनता पार्टी के हित में हम अपना दिन रात एक करके उसको पूरा करेंगे। क्या मैं सही वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण को लेकर कई वीवीआईपी लखनऊ पहुंचेंगे, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। तो साथ ही साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। और ऐसे में लखनऊ में एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के खासा इंतजाम किए गए हैं। एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम वीवीआईपीओ का जमावड़ा लखनऊ में लगने जा रहा है। उससे पहले सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है आपको दिखा दें कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार सुरक्षा के प्रबंधों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, डॉग स्क्वाड है, तमाम जो उपकरण होते हैं उनसे जांचा परखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं, लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर, और लगातार स्क्रीनिंग हो रही है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि तमाम महानुभावों को यहाँ पर आना है और उसके बाद यहाँ से हुए निकल कर लखनऊ की सड़कों से होते हुए और इकाना स्टेडियम जहाँ पर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। तो सुरक्षा के इंतजामों को परखा जा रहा है, जांचा जा रहा है लगातार। प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर पहुँचना है, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। तमाम वीवीआईपी हाई प्रोफाइल लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा के तमाम बेहतरीन और अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और उन्हीं की स्क्रीनिंग चल रही है। लखनऊ से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।